और इसी बीच ग्राउंड जीरो पर भी आपको हम लेकर जा रहे हैं। एक बार फिर आशीष भी हमारे साथ हैं, आशीष का रुख करते हैं। आशीष, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जिस बड़े ऑपरेशन का इंतजार किया जा रहा है इसराइल की तरफ से शुरू किया जा सकता है। देखिए, तैयारी तो पूरी है, लेकिन वो ऑपरेशन आज होगा या फिर दो दिन बाद होगा या फिर हफ्ते भर बाद होगा, ये काफ़ी कुछ वॉशिंगटन और साथ ही साथ टेल अवीव और जो मिडल ईस्ट के बाकी देश हैं, विशेष तौर पर कतर और सऊदी अरेबिया, ये क्या कुछ प्लान करते हैं आगे, और ये काफ़ी कुछ ग्लोबल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड होगा और यहाँ पर एक्शन उसका देखने मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि अकेले ही जो इसराइल की सरकार है वो बिना ये बाकी फैक्टर्स को देखे हुए वो अकेले खुद डिसाइड करेगी, क्योंकि वो करना होता तो 10 दिन काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है, रिटेलिएटरी एक्शन वो हो चुका होता। लेकिन दो तीन जो बड़े फैक्टर्स हैं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, आज फॉर एग्जांपल आप देखिए सेक्रेटरी ब्लिंकन यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर इक्विवेलेंट होते हैं वो आए थे यहाँ पर पिछले हफ्ते, आज फिर आ गए हैं, कुछ मिनटों पहले ही यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, यूएस के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर आए, और अब ऐसा बताया जा रहा है कि शायद जो बाइडेन भी यहाँ पर आएंगे। पिछले 24 घंटों में जो बाइडेन का इस विषय में 3 से 4 लगातार ट्वीट्स हुए हैं, जिसको बहुत ही केयरफुली देखा जा रहा है कि आगे अमेरिका किसे इसे कैसे इसे दिशा देता है और मिडिल ईस्ट के साथ में क्या समझौता होगा, बिल्कुल, और इसे देखना होगा। और साथ ही इस बात को तफसील से हम अपने मेहमानों से भी समझेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।